नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप मुझे देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स पर, और चैनल नंबर है ये 10। और आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत की, और संस्कृत भाषा में आज आपका जो विषय है जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है विचित्र साक्षी। ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट है, जो हमारे गेस्ट है, वो स्टूडियो में है, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा। आप एजुकेशन ऑफिसर हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड में। वेद प्रकाश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। विचित्र साक्षी ये क्या आज पाठ है, इसमें क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? कक्षा दसवीं के बच्चे जो हमारे चैनल नंबर 10 पर हमें देख रहे हैं जी, वो जी, क्या जी. पढ़ने जा रहे हैं? विचित्र साक्षी, आप बोलचाल की भाषा में विचित्र व्यवहार करते होंगे ना जी। विचित्र मतलब एक आश्चर्य वाला, उसमें कुछ अलग व्यवहार। और साक्षी का अर्थ जो तटस्थ दृष्टा होता है, जो साक्ष्य होता है जिसके पास, वह साक्षी कहा जाता है। यह एक कथानक है जो बंगाली भाषा में ओम प्रकाश ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है और उससे अनुदित करके संस्कृत के इस पाठ में रखा गया है। इसमें कुछ ऐसी घटना घटती है जिस घटना में न्यायाधीश के पास कोई साक्ष्य नहीं होता कि वह निर्णय कर पाए। जीवन में बहुत ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों पर साक्ष्य के अभाव में निर्णय देना, सही गलत का निश्चय करना कठिन होता है। ऐसी अवस्था में जो निर्णायक होते हैं, जजेस होते हैं, वो अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके सत्य को खोजने की कोशिश करते हैं कि यथार्थ क्या है। क्योंकि न्यायाधीश है वह, न्यायाधीश का अर्थ ही है कि न्याय का स्वामी है, न्याय का एक प्रकार से प्रभुत्व रखने वाला व्यक्ति है। किसी के साथ अन्याय ना करे, यह न्यायाधीश का पहला कर्तव्य होता है। इस कथानक में हम देखेंगे कि जो न्यायाधीश है उसके पास कोई एविडेंस नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन वह अपने बुद्धि चातुर्य से जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे यह साबित कर देता है कि कौन झूठा है और कौन सही है। आज इस कथा के माध्यम से, विचित्र साक्षी इस पाठ के माध्यम से, हम भाषा भी सीखेंगे और भाषा सीखने के साथ साथ एक रोचक घटना के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ ऐसा धारण करने का प्रयास करेंगे कि कभी भी किसी भी अवस्था में हमें चिंताकुल होकर के मार्ग से विमुख नहीं होना चाहिए। तो आइए हम विचित्र साक्षी इस पाठ को पढ़ते हैं। इसका कथानक इस प्रकार शुरू होता है कि किसी ग्राम में एक व्यक्ति रहते हैं और वो बहुत मेहनत करके अपने लड़के को पढ़ाने लिखाने के लिए धन संचय करते हैं और उसके बाद वह जाते हैं, लड़के को एडमिशन दिलाते हैं। यही कथानक यहाँ से शुरू होता है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई एक निर्धन व्यक्ति है जो भूरि परिश्रम्य, कठिन परिश्रम करके, किंचित, तद में तकार हट जाएगा, ये टाइप एरर है, किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन संग्रहित करता है, उपार्जित करता है। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुं सफलो जातः। तेन वित्तेन, उस धन के द्वारा, स्वपुत्रम अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाने में वह सफल हो जाता है। वह जो पैसा कमाया था उससे एडमिशन कराता है। तत्तनयः, तस्य तनयः, तत्तनयः, उसका पुत्र, तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्न समभूत। उसका जो पुत्र था वही, तत्रैव अर्थात तस्मिन् विद्यालये, वहीं पर छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन में संलग्न हो जाता है, पढ़ने में निरत होता है। एकदा सह पिता तनूजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। एक बार की बात है कि उसके पिता, सह पिता, वह पिता जो एडमिशन कराया था, प्रवेश दिलवाया था विद्यालय में, वह तनूजस्य अर्थात अपने पुत्र के
रुग्णताम आकर्ण्य, उस सुनता है कि हमारा पुत्र रोगी हो गया, बीमार हो गया है, अस्वस्थ है, ऐसा सुनकर के व्याकुलो जाता है, परेशान होता है, विचलित हो जाता है। ठीक है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान करता है, विद्यालय जाने का वह संकल्प लेता है, निश्चय करता है। परम अर्थ कार्येण पीड़ितः स बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। वह अर्थकार्षेन, धन की कमी से, अर्थ की कृशता, कृश माने दुबला पतला होना, वैसे ही अर्थ की कृशता का तात्पर्य है कि पैसे की कमी होना। वह अर्थ की कमी होने से के कारण, अर्थ की कमी से पीड़ित होने के कारण बसयान को छोड़ करके वह पैदल ही चल देता है कि हम पैदल ही चले जाएंगे, दो चार घंटे की बजाय 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। पदातिक्रमेण संचरण सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण संचलन, पैर से ही चलने के कारण, पादाभ्याम संचलन, पैर से पैदल चलने के कारण सायं समये, वह शाम तक विद्यालय नहीं पहुंचता, तो शाम के समय गंतव्य से दूर ही रह जाता है और शाम हो जाती है रास्ते में ही। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहाहा। निशांधकारे प्रसृते, रात के समय अंधकार फैल जाने पर, विजन प्रदेशे, जहां पर कोई होता नहीं है उसे विजन निर्जन कहते हैं, तो विजने प्रदेशे अर्थात निर्जने प्रदेशे पदयात्रा शुभावहाह न, पैदल चलना शुभकारी नहीं होता, कल्याणकारी नहीं होता, कोई समस्या हो सकती है। एवं विचार्य सह पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः। ऐसा विचार करके वह पार्श्वस्थिते, पास में स्थित किसी गांव में रात्रि निवासम कर्तुम, रात में निवास करने की इच्छा से गृहस्थम उपागतः, किसी गृहस्थ व्यक्ति के घर चला जाता है। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत्। जो करुणा वाला व्यक्ति था वो उसे अपने घर में रोक लेता है। गृही का अर्थ है घर वाला, घर का जो मालिक है, वो करुणावान था, उसे लगता है कि इसे आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता को समझ के आश्रयम प्रायच्छत् अर्थात आश्रय देता है, उसे वह आश्रय दे दिया। आगे क्या होता है, विचित्रा दैव गति, दैव की गति, भाग्य की गति जो है वह बड़ी ही विचित्र है, हम अगले क्षण क्या होगा हम जानते नहीं हैं, है ना, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये हम पहले से नहीं समझ नहीं पाते। ये बात वही कह रहे हैं कि विचित्रा दैव गति, दैव जो गति है, भाग्य की जो स्थिति है वह बहुत ही विचित्र है। वह रात को सोता है, एक घटना घटती है उसके घर में, क्या है वो, तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः। तस्याम एव रात्रौ, उसी रात को उस घर में कश्चन चौरः, कोई चोर गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः, घर में एक चोर आ जाता है, प्रवेश करता है। तत्र निहितां एकां मंजूषां आदाय पलायितः। और वहां पे रखी हुई एक मंजूषा अर्थात बक्सा लेकर के, आदाय अर्थात स्वीकृत्य लेकर के पलायितः भागता है, हाँ। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चौर शंकया तम अन्वधावत अगृह्णाच्च। चोर के पैर की ध्वनि, पादध्वनिना अर्थात पैर की ध्वनि से प्रबुद्धः अतिथिः, अतिथि जो सो रहा था उसकी नींद खुल जाती है और वह जागृत हो जाता है और उसे समझ में आता है कि शायद ये रात को उठाकर बक्सा भागने वाला चोर ही होगा, क्योंकि दूसरे के घर में व्यक्ति कोई ऐसा नहीं भागेगा। ऐसा सोच करके तम अन्वधावत, उसके पीछे पीछे वह दौड़ लगा लेता है और अगृहणाच्च, उसको पकड़ भी लेता है। परम विचित्रम अघटत, लेकिन ऐसा होने के बाद वो जब उसे पकड़ लेता है तो बहुत ही विचित्र घटना घटती है, जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, आशंका नहीं थी, ऐसी घटना घटती है। क्या होता है, चौरह एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत। चोर ही तेज तेज चिल्लाने लगा, क्रोशितुम अर्थात चिल्लाना, क्या चिल्लाता है, चौरोयम चौरोयम,
चोर समझ गया कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वह उसको पकड़ लिया जो अतिथि था और उसे कहने लगा कि यह चोर है चिल्लाने लगा। ऐसी घटना होती है तो घर के लोग आसपास के लोग जग जाते हैं। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र अगच्छन् वराकम् अतिथिम् एव च चौरं मत्वा अवहर्त्सयन्। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः, उसके उच्च स्वर, तारस्वर का अर्थ है ऊंचे स्वर को सुन करके, गांव वाले जो लोग हैं वह भी जग जाते हैं और ग्रामवासी ना अपने घर से बाहर आ जाते हैं। गृहात् निष्क्रम्य, अपने घर से बाहर आ करके, तत्र आगच्छन वराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वा अभर्सयन, आए हुए जो अतिथि थे उन अतिथि को ही चोर समझ करके उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत, वह जो चोर था वो गांव में रक्षा करने वाले जो ड्यूटी लगाए जाते हैं वही व्यक्ति था, लेकिन गांव के लोग चूंकि उसे जानते थे कि ये तो रक्षा करने वाला है, सब लोग पहचान रहे थे उसको, चोर नहीं समझ रहा था कोई, उसे कोई चोर नहीं समझ रहा था और जो अतिथि था उसे ही लोग चोर समझने लगे। ठीक है, तो वहां आए हुए अतिथि को ही चोर समझ लिए पहली नजर में और उसकी निंदा करने लगे, अभर्त्सयन, उसकी निंदा करने लगे, खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिए। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत, चोर वह गांव का रक्षक ही था। तत्क्षणम् एव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चौरोयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षणम्, शीघ्र ही, रक्षा पुरुष अर्थात जो वहां सिपाही लोग थे उसके अतिरिक्त और जो सिपाही लोग थे, तम अतिथिम चौरोयम, उस अतिथि को ही अयम चौर है, यह चौर है ऐसा बता करके प्रख्याप्य अर्थात निश्चित कर दिया, उसे प्रख्यापित कर दिया कि यह चौर है ऐसा मान के कारागृह प्राक्षिपत, कारागार में ले जाके बंद कर दिए, पुलिस चौकी ले जाके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद की स्थिति क्या होती है, अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगेन तम न्यायालयम नीतवान। दूसरे दिन, अग्रिमे दिने अर्थात दूसरे दिन, आरक्षी, दूसरे जो पुलिस वाले थे वो लोग चौर्याभियोगेन अर्थात चोरी का आरोप उसके सिर पे लगा करके और तम अतिथिम, उस अतिथि को न्यायालय ले जाते हैं। ठीक है, कोर्ट कचहरी पहुंचा देते हैं। ठीक है, न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उपाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। जो न्यायाधीश था वहां पर उसका नाम है बंकिम चंद्र, तो बंकिम चंद्र महोदय जो न्यायाधीश थे वो उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, दोनों के ही अलग अलग स्टेटमेंट लेते हैं, उनका विवरण सुनते हैं, उन्होंने सुना, श्रुतवान अर्थात सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत, संपूर्ण वृत्तांत अलग अलग सुनने के बाद वो अतिथि को निर्दोष मानते हैं, उन्हें लगता है कि अतिथि यहां पे निर्दोष है, अतिथि की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती आरक्षी की है। अमन्यत, मन में मान लिया लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। आरक्षिणम च दोषा भाजनम, उन्हें लगा कि जो आरक्षी व्यक्ति है, जो वहां रक्षक है, वही दोष युक्त है, लेकिन निर्णय कैसे करें। किंतु प्रमाणाभावात स निर्णय तुम न अशक्नोत, प्रमाण के अभाव में, प्रमाण अभाव होने के कारण वह निर्णय करने में समर्थ नहीं हो सके, नहीं निर्णय कर पाए। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थापितुम आदिष्टवान। ततो असौ, इसलिए उन्होंने कहा कि अगले दिन लाइए, तौ दोनों को, आरक्षी को भी और अतिथि को भी दूसरे दिन उपस्थित कराया जाए, ऐसा न्यायाधीश ने आदेश दिया, अधिष्ठवान अर्थात आदेश दिया। अन्येभ्यः अर्थात दूसरे दिन तौ न्यायालये स्वस्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, दूसरे दिन न्यायालय में उन दोनों ने अपना अपना पक्ष पुनः रखा, स्थापितवन्तौ अर्थात अपना पक्ष रखा। तदैव कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत इतः क्रोशाद्वयांतराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तदा एव, उसी समय वो अपनी बात कह ही रहे थे, तदा एव तत्क्षणे एव, उसी समय कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी,
उसी समय वहां का कोई कर्मचारी न्यायालय में कार्य करने वाला व्यक्ति समागत्य वहां आकर के निवेदयत निवेदन किया, क्या निवेदन किया, यत इतः क्रोश द्वयांतराले, यहां से दो कोश दूरी पर कश्चित जनह के नापि हतः, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, उसका जो मृत शरीर है वह राजमार्ग के समीप है। निकषा का अर्थ समीप होता है, राजमार्ग के समीप में, जो राजमार्ग मतलब जो हाईवे है आज के, ये राजमार्ग हैं, उन राजमार्गों के समीप में उसका शरीर पड़ा हुआ है, मृत शरीर। आदिश्यतान किम करणीयम, न्यायाधीश से वो कहता है कि आदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, जो न्यायाधीश महोदय थे उन्होंने आरक्षी जो अभियुक्त था वह और दूसरा अतिथि दोनों को कहते हैं कि जाओ तुम दोनों मिल करके उस शव को वहां से लेकर के आओ, ऐसा आदेश जज देते हैं जो न्यायाधीश हैं। ठीक है, आदेशम प्राप्त उभौ प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके जब न्यायाधीश ने ऐसा कहा तो दोनों ही प्राचलताम वहां के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तत्र उपेत्य, तत्र उपेत्य वहां जा करके उस मृत शरीर के समीप जा करके काष्ठ पटले निहितम पटाक्षादितम देहम स्कंधेन वहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, वहां जाकर के वो क्या देखते हैं कि काष्ठ पटले, लकड़ी का कोई तख्ता है जिसमें शव पड़ा हुआ है, वो है कैसा, तो पटाक्षादितम, पट से आच्छादित, पट माने वस्त्र, वस्त्र से आच्छादित ढका हुआ है, आच्छादितम अर्थात आवृतम ढका हुआ, देहम शरीर दिख नहीं रहा है लेकिन वो शरीर ढका हुआ है, और उसको उठा करके स्कंधेन वहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, उनको वो कंधे पे उठा लेते हैं दोनों उस लकड़ी को जिस पर वो मृत शरीर पड़ा हुआ है, न्यायाधिकरण अर्थात कचहरी जो कोर्ट है, न्यायालय है, वहां के लिए दोनों उठा करके प्रस्थित अर्थात चले आते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो आरक्षी व्यक्ति था रक्षक वह मोटा तगड़ा था, सुपुष्ट माने पुष्ट देह था उसका, मोटा तगड़ा था। अभियुक्तस्य अतीव कृशकाय, जो अभियुक्त व्यक्ति था, अतिथि था, वो वैसे भी गरीब व्यक्ति था, खाने पीने को कम था, तो वो दुबले पतले शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, जो भार शव का भार था उस शव के भार को कंधे पर ढो पाना उसके लिए दुष्कर था, बड़ा कठिन लग रहा था। 10 किलो उठाने का जिसके पास सामर्थ्य हो और 50 किलो अगर उसके कंधे पर रख दिया जाए तो कैसे उठाएगा, वही स्थिति उस बेचारे अतिथि की थी। स भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार के वेदना से, भार के कष्ट से रो रहा था, परेशान हो रहा था, बार बार क्रंदन कर रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितः आरक्षी तम उवाच, उसका जो क्रंदन था, जो दुख था, उसको निशम्य मुदितः वो देख करके आरक्षी मुदितः, जो आरक्षक था जिसने आरोप लगाया था, वो प्रसन्न होता है कि अच्छा हमको नहीं पकड़े होते तो आज तुमको ये ढोना नहीं पड़ता, अब ढो, हमें तुमने पकड़ा था, ऐसा वो मन मन सोच करके मुदितः अर्थात प्रसन्न होता है। ठीक है, और तम उवाच उसको वह बोलता है, क्या कहा, उवाच माने कहना, तम माने उस अतिथि को कहता है, रे दुष्ट, अरे दुष्ट का अर्थ दोष युक्त, सीधा सा अर्थ होता है दुष्ट अर्थात दोष युक्त, अरे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम् चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः, देखो उस दिन, तस्मिन् दिने उस दिन त्वया अहम् चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः, मैंने तुम्हें मना किया था, मेरे द्वारा मना किया गया था कि तुम मुझे छोड़ दो, मंजूषा लेके जा रहे हैं जाने दो, क्या पड़ी थी तुम हमें पकड़ो, इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुञ्छो, इस समय तुम अपने किए गए कर्म का फल भोगो, अगर मुझे नहीं पकड़ते तो ना तो तुम्हें जेल में जाना पड़ता और ना ही ये भार उठाना पड़ता। तो निजकृत्यस्य फलं भुञ्छो, अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यते, अस्मिन् चौर्याभियोगे इस चोरी के आरोप में
तुम वर्षत्रयस्य तीन वर्ष का कारागार तुम्हें मिलेगा, तीन वर्ष तुम जेल में रहोगे, ऐसा दंड लप्स्य से माने तुम प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य उच्चैः हसत, ऐसा कह के वह ऊंचे आवाज में हंसता है। यथा कथंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, जैसे तैसे खींचतान के उभौ दोनों ही शवम आनीय, जो शरीर था वो शव था मृत शरीर, एकस्मिन् चत आनीय माने ले आ करके, एक चत्वर माने चबूतरा, न्यायालय के बाहर बने रहते हैं पेड़ों के चारों तरफ, तो वहां ला करके स्थापितवन्तौ अर्थात लाके रख देते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, वो रख देते हैं, उसके बाद उन्हें बुला लिया जाता है न्यायालय में, और न्यायाधीश पुनः उन दोनों को घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश देते हैं। कहते हैं कि बताओ तुम लोग वहां जाकर के क्या किया तुमने। ऐसा आदेश देने के बाद आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत, जो आरक्षी था वो झूठ बोलने लगता है कि हम गए उठा कर लाए या कुछ ऐसा अपना बोलता है, तो निज पक्षम प्रस्तुतवती, अपना पक्ष जब प्रस्तुत कर रहा था, ये सप्तमी का एक वचन है प्रस्तुतवती, प्रस्तुत करते हुए आश्चर्यम अघटत, एक आश्चर्यमयी घटना घटती है, पुनः आश्चर्य होता है वहां पर। सह सशव प्रवारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, वो झूठा कुछ बोल रहा था जो आरक्षी था, तो जो शव चादर में ढका हुआ था वो चादर को हटाते हुए अपसार्य और उठ के खड़ा हो जाता है, वो मृत शरीर जो पहले कहा गया था, और न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन करके निवेदितवान, वह निवेदन करता है क्या, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वन यदुक्तम तद वर्णयामि, अरे महोदय इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि अर्थात मार्ग में यदुक्तम जो कहा गया तद वर्णयामि, वह मैं आपके सामने बताता हूं कि इसने मार्ग में क्या कहा था। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः गृहणात् वारितः, तुमको मैंने चोरी की हुई मंजूषा के ग्रहण करने से मना किया था कि तुम मुझे मत पकड़ो, चोरी मैं मंजूषा चुरा रहा हूं ले जाने दो, लेकिन तुमने रोका था, वारितः मैंने मना किया था। अतः निजकृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, तुम अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम तीन वर्ष का कारागार प्राप्त करोगे। इति, ऐसा इस आरक्षी ने कहा था। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादण्डं आदिश्य तं जनं ससम्मानं मुक्तवान्, ऐसा सुनने के बाद जो न्यायाधीश था वह आरक्षी को दंड देता है, वो अतिथि को मुक्त करता है, तो आरक्षिणे कारादण्डम आदिश्य, आरक्षी को जो रक्षक व्यक्ति था उसे ही दंड का आदेश देते हैं कि इसे कारागार में डाल दिया जाए, और तम जनम जो अतिथि थे, तम जनम अर्थात तम अतिथिम ससम्मानम मुक्तवान, सम्मानेन सह ससम्मानम, सम्मान के साथ मुक्त कर दिया कि यह दोषी नहीं है। अत एवोच्यते, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा जाता है हमारे यहां जो कही जाती हैं बातें वो सूक्ति या कहावतें या मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, तो ये उसी प्रकार की एक लोकोक्ति समझ सकते हैं कि दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्कराणि अपि कर्माणि, जो कर्म बहुत दुष्कर होते हैं, जिनको करना कठिन होता है वो कर्म दुष्कर कहे जाते हैं, तो दुष्कराणि अपि कर्माणि, जो दुष्कर कर्म हैं उन कर्मों को भी मति वैभवशालिनः, अर्थात मति है वैभव, जिसका जिसके पास धन होता है वो धन वैभवशाली है, जिसके पास बुद्धि है वह बुद्धि वैभवशाली है, और जिसके पास मति है वह मति वैभव,
मति बुद्धि प्रतिभा ये सब भी कुछ कुछ अंतर है इनमें, वो हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम ये समझें कि मतिवान जो लोग होते हैं, मति युक्त जो लोग होते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग नीति युक्तिम समालंब्य लीलैव प्रकुर्वते। तो इस प्रकार से ये कथन घटना यहाँ समाप्त हो जाती है। और इस श्लोक का अंतिम जो अंश है नीति युक्तिम समालंब्य, वो नीति वचन का अवलंबन करते हैं अर्थात तो उसका आश्रय लेते हैं और उसका आश्रय लेकर के लीलैव प्रकुर्वते माने साधारण सहज ही अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीश के पास कोई प्रमाण नहीं था, वो चाहते तो परेशान हो जाते, दोनों को जेल में डालते या आरक्षी की बात मान करके उसे कारागार में अतिथि को ही डाल देते, लेकिन एविडेंस नहीं होने पर भी एविडेंस खोजना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनकी बुद्धिमत्ता का। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, मति वैभव का परिचय देते हुए और जो वास्तव में दोषी था उसको वो कारागार तक पहुंचाया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये पूरा रचा घटनाक्रम की ऐसे हाईवे पर, और वो उनकी बातों में आ जाते हैं। वास्तव में उस जो चद्दर के में ढका हुआ शरीर था वो मृत शरीर था ही नहीं, वो केवल इन लोगों की वास्तविकता को ऊपर लाने के लिए उसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति सोया हुआ था जो बाद में प्रमाण बन सके, साक्ष्य बन सके। वही इसीलिए इसका पाठ का नाम विचित्र साक्षी है, क्योंकि वो जो साक्षी है वो मृत की तरह वहां उपस्थापित हुआ है। ये एविडेंस ही एविडेंस है। चलिए, तो ये एविडेंस वाली कहानी मुझे लग रहा है बच्चों बहुत आपके काम आएगी। इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसका स्मरण करिएगा और अपने खुद भी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का काम कीजिएगा। इससे एक प्रेरणा और हमें मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें हमें यथार्थ को ढूंढने का प्रयास जरूर करना चाहिए, कभी भी अपने प्रयत्न से अलग नहीं हटना चाहिए। कि ये काम नहीं हो पा रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए, सकारात्मकता बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकाश, आप यहां तक आए, आपने ये एविडेंस से हमें परिचय करवाया, साक्षी से मिलवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारा ये संस्कृत का सत्र यहीं समाप्त होता है, आप कहीं मत जाइएगा, थोड़ी ही देर में अभी हाजिर होते हैं, अगला सेशन लेकर देखते रहिए पीएम ई विद्या चैनल्स। नमस्कार।